इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की इच्छा है। तब ऋषि गणों ने पूछा, हे सूत जी, अब ये बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया, ये जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे ये व्रत किन किन लोगों ने किया ये भी ध्यान पूर्वक सुनो। वो ब्राह्मण धन धान से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वो प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वो सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है, कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, ये हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का ये व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में ये सब धन धान्य और सुख वैभव है। ये जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वो प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज ये लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। ये संकल्प कर वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक में चला गया। श्री स्कंद पुराण के रेवाखंड की सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इसके आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वे नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशीला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से ये किस देवता का पूजन कर रहे हैं, कृपा कर ये सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। ये सब हम पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके
मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं, ताकि मैं भी ये व्रत कर सकूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य होगी वैश्य, भगवान सत्यदेव किसी को भी निराश नहीं करते। ये कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। ये कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी आपने कहा था कि जब हमारी संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार ये कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिये हम कन्या के विवाह के समय ये व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधी आई कि कन्या सयानी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वो भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीता। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वो सदा ही सचेत रहता था, अतः अपने जामाता को लेकर वो व्यापार करने के लिए चल दिया। इस बार वो समुद्र के समीप रत्नासार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर वो अपने जामाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया, जहां वैश्य साधु और उसका जामाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे, अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया और अलोप हो गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज राजमहल में चोरी करने वाले दो चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ देखे भाले और विचार किए आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उसका सारा धन भी छीन लिया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वो शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में
अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहाँ बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात गए तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहीं थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हो आया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर ये कष्ट आ गए हों। ये सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वो भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जमाता शीघ्र लौट आएं और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा दे दे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। ये कहकर राजा ने बेड़ियां कटवा कर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे दुगुना देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर चल दिया। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण कर उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो बेल पत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कहे दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे पर जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई लग रही है। वो बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटा कर देखा। धन के स्थान पर बेल पत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वो अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? ये उस दंडी स्वामी का श्राप है।
वो दंडी सर्व समर्थ है, इसमें संशय नहीं। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनवांछित फल मिलेगा।